दोस्तों वेलकम टू बैक माय चैनल लेटेस्ट न्यूज़। तो लेटेस्ट न्यूज़ बीटी यूपी की कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ रहता है तो उसे तुरंत से प्रोवाइड करता है बच्चों को। तो आज मैं आप सबके लिए फिर से एक लेटेस्ट न्यूज़ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ लाया हूँ छात्रों के लिए आज बीटी यूपी। अब मैं आपको बता दूँ, इस लेटर में, इस नोटिस में साफ साफ ये भी लिखा गया है कि बीटी यूपी के कोई भी ईयर्स के छात्र प्रमोट नहीं होंगे। इतने तारीख से होगा आपका ऑनलाइन एग्जाम, आप सब कुछ खुद देख लो लाइव डेट शीट में, आपके सामने सब कुछ मैं पढ़ के मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं सीधा आपको लाइव प्रूफ यहाँ पे आ गया हूँ नोटिस पे, जो नोटिस जारी किया गया था। आप नोटिस यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने ये नोटिस है। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकेंड्स में डाउटनेट के साथ करो ने आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं, आईआईटी, जेईई और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सोल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। क्या नोटिस में लिखा गया है मैं आपके सामने मैं सब कुछ पढ़ के मैं बताता हूँ, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। यहाँ पे साफ साफ ये बोला गया है कि विश्वविद्यालय सत्र 2021-2021 के संचालित सम सेमेस्टर पाठ्यक्रमों के ऑनलाइन प्रयोगात्मक कराए जाने के संदर्भ में। तो अब मैं आपके सामने मैं सब कुछ मैं पढ़ के बताता हूँ। उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित कराना है कि विश्वविद्यालय संचालित समस्त विधाओं के सत्र 2020-21 के सम सेमेस्टर की समस्त विधाओं की लिखित परीक्षाएं ऑनलाइन के माध्यम से संचालित हैं। उक्त छात्राओं की प्रयोगात्मक परीक्षा, प्रोजेक्ट इत्यादि ऑनलाइन के माध्यम से कराया जाना है। प्रयोगात्मक परीक्षा, प्रोजेक्ट परीक्षा कराने के लिए परीक्षकों की ड्यूटी की सूची का संस्थाओं के लिए की लॉगिन पर उपलब्ध कराई जाएंगी, मतलब संस्थाओं के लॉगिन पर उपलब्ध कराई जाएंगी, तथा ही साथ संबंधित शिक्षकों के लॉगिन में भी अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे कि अंतिम वर्ष की प्रयोगात्मक परीक्षा, प्रोजेक्ट परीक्षा दिनांक 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि प्रोजेक्ट परीक्षा दिनांक 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त 2021 के मध्य ऑनलाइन कराने। इसके अतिरिक्त अन्य सेमेस्टर के लिए, यहाँ हम देख सकते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य सेमेस्टर के लिए प्रयोगात्मक परीक्षा, प्रोजेक्ट दिनांक 14 अगस्त से ऑनलाइन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। तो आप लोग ने यहाँ पे खुद देख लिया होगा कि आपका कब होने वाला है एग्जाम। तो ये लाइन मैं आपको दोबारा से पढ़ के बता देता हूँ यहाँ पे क्या लिखा गया है। यहाँ पे ये लिखा गया कि प्रोजेक्ट परीक्षा दिनांक 1 अगस्त से 10 अगस्त तक, दिनांक 14 अगस्त से ऑनलाइन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। मतलब ये भी लिखा गया है कि अन्य सेमेस्टर के लिए प्रयोगात्मक परीक्षा है, मतलब आप लोग मत समझिए कि फाइनल ईयर के लिए है ये, तो ये अन्य सेमेस्टर के लिए भी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि अतः उपरोक्त के संबंध में अनुरोध है कि संबंधित परीक्षकों के संपर्क कर छात्रों की हित में समस्त लिखित परीक्षा की समाप्ति के बाद ही प्रयोगात्मक परीक्षा, प्रोजेक्ट परीक्षा ऑनलाइन के माध्यम से शुरू कराने की कार्रवाई करेंगे। ऑनलाइन के माध्यम से प्रयोगात्मक परीक्षा कराने संबंधित गाइडलाइन के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध ऑनलाइन माध्यम से प्रयोगात्मक परीक्षा कराने की व्यवस्था कराने का कष्ट करे, यहाँ पे देश कष्ट करे। यहाँ पे यह भी लिखा गया है कि साथ ही साथ परीक्षा संबंधित समस्त कार्रवाई की रिकॉर्डिंग एवं प्रपत्रों के विश्वविद्यालयों में समय समय पर आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराना जाना सुनिश्चित कराया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको मैं पहले फर्स्ट में क्लियर करा दूँ, ये जो न्यूज़ है APJ अब्दुल कलाम की लिए न्यूज़ है। लेकिन मैं आपको बता दूँ जो APJ अब्दुल कलाम का न्यूज़ रहता है, वो APJ अब्दुल कलाम का न्यूज़ BTUP के सेम रहता है, जो प्रोसेस रहता है AKTU में वही प्रोसेस रहता है BTUP में। आप लोग ये जानते रहेंगे, लेकिन इसी प्रकार से आप लोग का भी ऑनलाइन एग्जाम होगा। बहुत से बच्चे, जो रूमर्स आ रहा है कि प्रमोट का, अगर प्रमोट होना रहता था तो आप सबको प्रमोट कर दिया गया होता, क्योंकि बहुत से बच्चों को अभी प्रमोट नहीं किया गया है, क्योंकि अब यहाँ बहुत अन्य राज्यों में प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन यूपी बोर्ड अभी किसी को प्रमोट नहीं किया है। तो आप सबको प्रमोशन की कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है, लेकिन आप लोग को एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आपको प्रमोट करना होता तो अभी तक BTUP प्रमोट कर दिया होता। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग ने खुद देख लिया होगा कि आप लोग को कब से आपका एग्जाम होने वाला है। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जितने भी भाई लोग हो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि मैं कोई भी अपडेट